अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको रॉयल मॉल दिखाऊंगी। ये मॉल ख़ास लेडीज़ के लिए है। यहाँ आपको लेटेस्ट डिज़ाइन मिलेंगे और ऐसे डिज़ाइन मिलेंगे जो और कहीं नहीं मिलेंगे। ये मॉल डिज़ाइनर अबायास के लिए पॉपुलर है और जगह के मुकाबले यहाँ प्राइसेस हाई हैं। अगर प्राइसेस हाई हैं तो डिज़ाइन भी बहुत यूनिक मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ ये मॉल कैसा है। ये देखिए, ये लाइन से मॉल के अंदर एंटर करने से पहले लाइन से यहाँ पे आपको ज्वेलरी की शॉप भी मिल जाएगी और अबायास की शॉप भी मिल जाएगी। तो अब मैं लिफ्ट में आ चुकी हूँ और ये लिफ्ट अब ग्राउंड फ्लोर पे है। ये ग्राउंड से जाएगी फर्स्ट फ्लोर पे। ये फर्स्ट फ्लोर है। ये देखिए कितना खूबसूरत मॉल इन्होंने अंदर से बनाया हुआ है। मैं लिफ्ट से बाहर आ चुकी हूँ और ये देखिए यहाँ पे गोल्ड शॉप्स भी मिल जाएंगी। और बेसिकली ये मॉल जो है वो गोल्ड शॉप्स के लिए परफ्यूम्स, अबाया, एसेसरीज़, ज्वेलरी और शूज़ वगैरह जो होते हैं लेडीज़ के, वो इन सब चीज़ों के लिए ही है ये मॉल। और वॉचेस वगैरह भी हैं यहाँ पे। मतलब लेडीज़ का हर सामान इस मॉल में आपको मिलता है सिर्फ बस। लेकिन कॉस्टली अबाया जो हैं वो फिर उसी तरह से हैं भी, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा मटेरियल है उनका और हर कलर में मिल जाएंगे आपको। जैसे विंटर्स होती हैं, जैसे आजकल विंटर है तो यहाँ पे जो है वो विंटर के अबायास भी आए हुए हैं। जैसे वूलन में होते हैं, स्वेटर के बने हुए हैं पूरे पूरे, और वेलवेट के अबाया हैं, वो सब मैं भी आपको आगे दिखाऊँगी। तो ये एक शॉप में मैं अंदर आई हूँ, तो यहाँ पे देखिए हर स्टाइल के, हर कलर के
हर डिज़ाइन हर मटेरियल के अबाया मिलेंगे। ये देखिए इधर इन्होंने विंटर के अबाया लगा रखे हैं। ये स्वेटर के बना हुआ अबाया देखिए कितना खूबसूरत है, और ये देखिए हर कलर में है, और ये आपको जैकेट के स्टाइल में मिल जाएगा अबाया, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए ये दूसरे तरह के स्वेटर टाइप का अबाया है, और ये वेलवेट में अबाया है। वेलवेट के अबाया तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, इस पर थोड़ा बहुत काम भी हुआ हुआ है, ऐसे स्टोन वर्क हुआ हुआ है इस पर। ये सारे वेलवेट के हैं, तरह तरह के डिज़ाइन हैं इसमें। डमी जो अबाया पहने ये प्योर वेलवेट है ऊपर से लेके नीचे तक, और ये मरून कलर का है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये वाला। यहाँ आने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए, क्योंकि हर एक अबाया देखने में चूज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे लाइन से बस अबाया और लेडीज़ के एसेसरीज़ की शॉप्स हैं, और थर्ड फ्लोर पे इन्होंने थोड़ा सा बच्चों के लिए राइड्स वगैरह भी का भी कर रखा है पोर्शन एक, तो आप बच्चे ऊपर जाके खेल भी सकते हैं। मैंने बस यहाँ से एक दो अबाया ही लिए हैं, और अगर आपको आप देखना चाहेंगे कि मैंने कैसे अबाया लिए हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, अपने अबाया दिखाऊंगी। तो फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।